ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों एक ऐसे अद्भुत चमत्कारी फूल के बारे में जिसे अपने घर के आंगन में लगाते ही आपके घर में होने लगेगी धन की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये फूल अति प्रिय है। कौन सा ये फूल है और कब और किस तरीके से लगाना है ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा दोस्तों। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहते हैं यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों चलिए अपने विषय पे हम पुनः वापस आते हैं। दोस्तों घर को सुंदर बनाने के लिए हम अपने घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं। इनमें से कुछ पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं जो हमारी बहुत ही सहायता कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है टेसू का फूल। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं ये नारंगी सा खूबसूरत फूल जिसे लोग पलाश का फूल भी कहते हैं। आज हम आपको घर पर टेसू का फूल लगाने का सही तरीका बताते हैं दोस्तों। इसे आप अपने हिसाब से गमले या फिर आंगन में लगा सकते हैं दोस्तों। यदि आपको अब तक ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियोस देखते रहने के लिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे लगाने से पहले आप उस जगह को थोड़ा साफ कर लें जहां आप इसे लगाने वाले हैं, और हम आपको सलाह देंगे कि आप वहां पर प्राकृतिक खाद का ही इस्तेमाल करें दोस्तों, क्योंकि कहा गया है कि जिस घर में इसका फूल निकलता है वहाँ पैसों की कभी कमी नहीं होती है। दरअसल टेसू के फूल को शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से आर्थिक तंगी भी दूर होती है। तो दोस्तों ये साधारण सा फूल, दिखने वाला फूल बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली फूल है। ये न सिर्फ आपकी घर की शोभा सुंदरता बढ़ाएगा बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी बहुत बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन आप इसे घर में अपने जरूर लगाएं दोस्तों। यदि आपके घर में पैसों की तंगी है या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी घर में धन उतना नहीं आता, पर्याप्त नहीं आता, धन में बरकत नहीं होती, तो इस तरीके की सारी ही समस्याओं का ये फूल अकेले ही समाधान कर सकता है। तो दोस्तों यदि आपको भी कोई ऐसी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं तो ज़रूर टेसू का फूल अपने घर में लगाएं और माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन अर्पित जरूर करें, और जो हमने जानकारी दी है उसी तरीके से काम करें दोस्तों, फिर आप देखें इस फूल का चमत्कार। अगर आपको भी ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।